हेलो एवरीवन, आज हम लोग जाने वाले हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग बता रहे थे कि हमारे ही पास में नेचुरल हैबिटेट है क्रोकोडाइल का या एलिगेटर का, वो हमको वहाँ जाके ही पता चलेगा क्या रियलिटी है। हमारे मन में एक्साइटमेंट है कि हम भी देख के आते हैं। एक सेफ डिस्टेंस से हम लोग सिर्फ वहाँ पे देखने के लिए जा रहे हैं। तो फिर फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या है वहाँ एलिगेटर, या लोकल भाषा में यहाँ पे क्रोकोडाइल का हैबिटेट है उसको बोलते हैं मगरकुंड। तो मगरकुंड कैसी जगह है, दिखने में क्या है, अभी हमको कुछ भी नहीं पता, पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा। ठीक है, तो आइए मिलके देखते हैं। चलो जल्दी निकलते हैं। और हमारा GoPro का ही बैटरी खराब हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, बट दो रिजर्व में हो हमारे पास। निकल चुके हैं घर से और हम लोग जितनी जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे हमारे ज्यादातर चांस बढ़ जाएंगे क्रोकोडाइल या एलिगेटर जो भी है वो हमको वहाँ पे मिल जाएंगे बाहर। स्पीड बूस्ट अप करें। हाँ बिल्कुल, है ना, जल्दी से ही करना। ठीक है, चलो तो पहुँचते हैं। आज का मौसम काफी ज्यादा शानदार है, बादल भी हैं, तो चांसेस कम है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा सही है। लास्ट का जो 50% है ना वो कुछ ज्यादा ही टफ होगा। यहाँ पे हमने 50% कंप्लीट कर लिया है और डिस्टेंस थोड़ा सा और रह गया है बस। इसके बाद अब कम्प्लीटली ऑफ रोड रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पे रोड नहीं है, ये रेलवे की लूप लाइन का या एक्स्ट्रा लाइन का काम चल रहा है। यहाँ पे इसके ही किनारे किनारे हम अपने वो डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे। एक्स्ट्रा ट्रेन की लूप लाइन का रोड है ये। यहाँ पे मालगाड़ियों के लिए अलग से स्पेशल ट्रैक डल रहा है ताकि पैसेंजर ट्रेन डिले ना हो। एक और ट्रेन आने वाली है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ट्रेन करीब 45 डिग्री पे झुक जाती है। देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो सारी ट्रेनें यहाँ पे स्लो हो जाती है, चाहे कोई भी सुपर फास्ट हो या एक्सप्रेस कोई भी। भले ही आकाश धूप नहीं है लेकिन गर्मी बहुत है। आराम से चलना। हाँ है,